دیگر از این موش و گربه بازی خسته شدم. باید کار رو یک سره کنم تا شاگردانش نیستند. कौन था? पता नहीं, दरवाजा बजा रहे हैं, कहीं हुकूमत के आदमी ना हो। सिपाही? हाँ, यहां से निकले। सब्र करें, छत के रास्ते से चलते हैं। अगर सिपाही होते तो हमें उनकी धमकियों की आवाज जरूर सुनाई देती। क्या कह रहे हो? सब्र करो। खोले, जल्दी करें। कौन है? मैं हूं। खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? नहीं जुबैर, रुक जाओ। ये इस्माइल है, हमारा पुराना दोस्त। जाबिर, हाकिम के आदमी यहाँ पहुँचने वाले हैं, जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाओ। कहाँ? ये नहीं पता, लेकिन यहाँ से निकले। थोड़ा रुको, चलो जुबैर। कहाँ? पता नहीं, फिलहाल सिर्फ चलो। क्या सोच रहे हो? चलो। मैं आगे जाता हूँ, आप लोग फासले से मेरे पीछे पीछे आइएगा। लो चारों तरफ से। जाने नहीं पाएगी। तोड़ दो दरवाजा। अंदर गुस्सा। एक एक कमरे को अच्छी तरह देखो। हकीम को उस पर इतना एतमाद नहीं करना चाहिए था, और ना उसको इतनी इजाजत देनी चाहिए थी कि हमारे इतने नजदीक आए। कोई भी हकीम की जगह होता तो उसे धोखा खा जाता। वो उस भेड़िये की तरह है जो भेड़ के लिबास में हो और अपने आप को फरमाबरदार जाहिर करे। आप भी उसके माजी से बाखबर ना होते तो समझते कि वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें पूरा यकीन है कि आमिर की दुकान पर वो ही था? मैं उसकी आंखों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसने राहसनी के साथ गद्दारी का भी इजाफा कर लिया है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि जाबिर इब्ने हयान की फिक्र है। या अल्लाह, या अल्लाह। अंदर आओ। सलाम मालिक। सलाम शोगी, क्या खबर है? जी वो एक बुरी खबर है। क्या जाबिर किसी मुश्किल में है? मेरे ख्याल में हाँ, मैं उसके घर गया था,
लेकिन घर में कोई नहीं था। मैंने इर्द गिर्द से पता किया तो पता चला कि आज हुकूमत के सिपाहियों ने उसके घर पर हमला किया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया? किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में हाँ। बिलाखिर उसने अपना काम कर दिखाया। काश सुबह एक दफा मेरे हाथ लग जाए तो। पूरी रात दर्द से तड़पता रहा है, ना खुद सोया है और ना हमें सोने दिया है। इसका जिस्म काफी कमजोर हो गया है, मुझे इसके लिए जोशाना बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ दवाओं की जरूरत है। काश इस्माइल जल्द से जल्द घर आ जाएं। इसकी जरूरत नहीं, बस आप खुदा से उम्मीद रखें। जुबैर, जुबैर तुम्हें एक जगह जाना है। कहाँ? पंसारी की दुकान तक बाजार कुफा जाओ और वहां से थोड़ा सा गुलगांव जबान, सुंबलती और थोड़े से खुश्क लीमू और जरा सी बूटियां ले आओ। लेकिन ख्याल रखना, मेरे अपने बारे में किसी से कुछ ना कहना। काश कल ही तुम्हारा काम तमाम कर देता। क्या सोच रहे हो जुबैर? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर बसरा में होता तो पंसारी इब्ने मुश्किन की दुकान पर चला जाता। वहां रौदा संग से लेकर शुरे मुल्क तक हर चीज मिल जाती। जल्दी आने की कोशिश करना, बच्चे की हालत नाजुक है। आपने पंसारी की दुकान कहाँ बताई है? बिल्कुल बाजार कूफा के दरमियान। जुबैर, कोशिश करना कि इन चीजों की कीमत अच्छी अदा करना। ठीक है जुबैर। अगर दुकानदार तुमसे तबीब का नाम पूछे जिसने दवाएं तजवीज की हैं, तो मेरा नाम ना लेना। आप मुतमईन रहें। कई साल पहले एक माहिर तबीब कूफे में था कि तमाम लोग उसी के पास जाते थे इलाज के लिए। उसका नाम जाबिर था, जाबिर इब्ने हयान तूसी, हमदर्द मेहरबान। कहते हैं खुरासान चला गया है। अब तक जाबिर इब्ने हयान का नाम कूफे के लोगों की जबानों पर है। जो कोई भी किसी मर्ज में मुब्तला होता है तो जाबिर को ही याद करता है। काश वो कूफे में होता। दवा की ये तरकीब बिल्कुल जाबिर की तरकीब के मुताबिक है। जब तुमने मुझसे ये चीजें मांगी तो मैं समझा कि शायद जाबिर कूफा आ गया है और दोबारा तबाबत करने लगा है। ये तरकीब मैंने खुद तजवीज की है, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है कि तुम जाबिर को अच्छी तरह जानते हो। और जनाब, मेरी दवा की तरकीब इसलिए मिलती है कि मैंने जाबिर से इल्म सीखा है। यानी तुम जाबिर इब्ने हयान के शागिर्दों में से हो? मैंने खुरासान में कई साल उनसे कस्बे इल्म किया है। अगर ऐसा है तो अपना पता बताओ ताकि मैं बीमारों को तुम्हारा पता बता सकूं। नहीं नहीं, मैं कूफा में मेहमान हूँ, चंद दिन में चला जाऊंगा। हाँ, बहुत जल्द। काफी हैं? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, बसरा का मशहूर राजन खानादार औरतों की तरह खरीद और फरोख्त कर रहा है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई है मर्द? तुम्हें अमानत के तौर पर दे दी, क्योंकि जानता हूं कि गैरत तुम्हारे पास नाम को नहीं। मेरे पीछे आओ। अच्छा, बताओ तुमने क्या किया अब तक? कल उसका काम तमाम करने वाला था कि हुकूमत के कारंदे आ गए तो मेरा काम खराब कर दिया। हाकिम बसरा ने कहा है कि इस काम की खबर हुकूमत को नहीं होनी चाहिए। देखो जुबैर, तुम जैसे राजन के लिए जाबिर जैसे आदमी को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है।
बहाना बना रहे हो जुबैर, कहीं उस लड़की के इश्क ने तुम्हें पुस्तल तो नहीं बना दिया? मेरे चेहरे को अच्छी तरह देखो, मैं जुबैर हूँ, वही जुबैर के जिसका नाम सुनकर हाकिम तक के जिसकी तुम नौकरी कर रहे हो कांप उठता है। अगर आज मुझे हाकिम के सामने मोम की तरह नरम देख रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि मेरे काम की गिरा सिर्फ उसके हाथों से खुल सकती है। बस अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो कि एक बार, सिर्फ एक बार दोबारा उस लड़की का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। सुन लिया तुमने? गुस्सा मत करो जवान, मैं तो खुद तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह उन अलवियों के घर तक रसाई रखता तो जानते हो क्या करता? मैं जाबिर का एहसानमंद हूं, मैं उसे हाथ बांध कर हाकिम के हवाले नहीं कर सकता। सुन रहे हो तुम? पागल ना बनो, वो जल्द या बदेर पकड़ा जाएगा। तुम क्यों खुद को इसे नाम से महरूम कर रहे हो? मुझे मालूम है कि हाकिम पसरा उसका क्या इनाम देगा। है हाकिम के सिक्कों की खातिर ये काम नहीं कर रहा। जानता हूँ, खूब जानता हूँ। तुम उनवान पसरी की दामादी को हाथ से खोना नहीं चाहते। तुम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, मान लो ये बात, लेकिन मुझे हाकिम पसरा को जवाब देना है। मैं कूफा में ये काम नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई मुझ पर शक करेगा और मैं उनवान के इत्माद को हाथों से खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ मोहलत दो। इससे क्या होगा? उनका कूफा से कूच का इरादा है शायद। कूफा से कूच करने का इरादा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन उनवान किसी को ढूंढ रहा है कि जिसके खातिर वो बसरा से यहाँ आया है। जरारा? हाँ, मेरा ख्याल है कि वो जरारा को ढूंढ रहा है। जानते हो वो कहाँ है? नहीं, सुना है कि वो कूफा से बाहर है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, तुम उनके साथ जाओ। अच्छा है वो तुम पर एतमाद करने लगे, क्योंकि जरारा का पता लगाना सबसे अहम है। लेकिन वो कौन है? मेरे ख्याल में ये एक अकेला शख्स एक खजाने के बराबर है। इसका पता लगाना कि ये कहाँ छुपा है और क्या कर रहा है। जाओ जुबैर, जाओ, मेरे जहन में एक अच्छा ख्याल आया है, लेकिन मुझसे छुपाना नहीं। अगर मुझसे छुपाया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि तुम मुतमईन रहो। बहुत खूब, जाओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल और दिमाग एक से नहीं। दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। खुदा तुम्हें इसका अजर दे हकीम। अगर आप ना होते तो मेरा बेटा जिंदा ना होता। इंशाअल्लाह खुदा आपको इसका अजर देगा। आपका वजूद हमारे लिए खुदा की खास नेमत है। सबकी शिफा खुदा के हाथों में है, मैं तो सिर्फ एक वसीला हूँ। जहाँ भी जाते हो लोग इसको पसंद करते हैं, ये क्या है? आज सुबह मेरी मोमिन से मुलाकात हुई, वो आपके लिए परेशान था। मैंने उससे कह दिया कि आप खैरियत से हैं। उसने कहा है कि आप उनवान के पास जाकर उसका इंतजार करें। तुमने खुद को हमारी खातिर खतरे में डाला, इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हकीम। जुबैर चलो, मजीद रुकना ठीक नहीं। मैं तुम्हारी बहुत मशहूर हूँ भाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई कि तुमने जहमत की। खुदा करे तुम हमेशा मोमिनों के मददगार रहो। मैंने कोई काम नहीं किया है बहन, जाबिर मेरा दोस्त है और उसके दोस्त मेरे दोस्त। शुक्रिया मेरे भाई। खुदा हाफिज़। चलें। अपना ख्याल रखना, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज़। खुदा आपको अपनी अमान में रखे।
रहे सिपाही हमारा पीछा करें। आओ चलें। रुको, हाथों अजीजाने ग्रामीण कदम कलम फलसफा इस्लाम पर गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लाम जो सलामती का तर्ज देता है और इसके अफकार और तालीमात से इंसानियत की तकमील होती है। ऐसा लगता है जैसे अबू हनीफा की आवाज़ हो। मैं आपकी तवज्जो कयास के अहम मसले पर मबजूल कराना चाहता हूँ। एक बार फिर बयान करता हूँ कि कयासी शराय मुकद्दस इस्लाम के आकामात में से एक अहम हुक्म है और उसे भी किताब और सुन्नत की तरह इस्लाम का एक हुक्म समझना चाहिए। अगर आप तालिब इल्म और दानिश हैं तो बैठ जाएं और जमात के नज्म और ज़ब्त का ख्याल रखें। सलाम नौमान। आप? जैसे ही गली से आपकी आवाज सुनी तो सोचा कि थोड़े से वक्त को गनीमत जानते हुए आपके साथ अपने मौला जाफर इब्न मोहम्मद की खिदमत में गुजारे दिनों की याद ताजा कर ली जाए। वाह वाह, जाबिर इब्न हयान, कूफे में खुशामदीद मेरे भाई। तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुम्हें यहां देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। जाबिर इब्ने हयान का इस तरह अचानक मेरी जमात में आना मेरे लिए बड़े एजाज और मुसर्रत की बात है। हमने क्या अच्छा वक्त मदीने में गुजारा है, क्या अच्छी चीजें सीखी हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में पूछा करता था। मैंने सुना है क्या तुम कयास को शरय मुकद्दस इस्लाम का अहम हुक्म कह रहे हो। हाँ, मैं अपने शागिर्दों को बता रहा था कि कयास भी किताब और सुन्नत की तरह इस्लाम का एक अहम हुक्म है। तुम्हें याद होना चाहिए अबू हनीफा के हमारे उस्ताद जाफर इब्ने मोहम्मद ने फरमाया है कि सबसे पहले हुक्म खुदा में जिसने कयास किया वो इबलीस था। दीनी अहकाम और अहकाम फिकही कयास से हल होने वाले नहीं, और बेहतर यही है कि हमने जो कुछ मौला जाफर इब्ने मोहम्मद से सीखा है उसी पर इक्तफा करें। आप लोग थोड़ा आराम करें जब तक मैं अपने इस पुराने और गहरे दोस्त से बातें कर लूं। तशरीफ रखें। लेकिन मैं अपने इज्तिहाद के जरिए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कयास भी शराय मुकद्दस इस्लाम का एक अहम हुक्म हो सकता है, अलबत्ता कभी इसके बरक्स भी हो सकता है। आपसे मुझे तवक्को है कि आपने 2 साल जाफर इब्न मोहम्मद से दर्स हासिल किया, तो चाहिए कि किसी ऐसे अमर पर बात ना करें कि जिसमें इख्तलाफ पाया जाता हो। तुम्हारी बात सही है, यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अगर मैंने 2 साल जाफर इब्न मोहम्मद की शागिर्दी में ना गुजारे होते तो नुमान हलाक हो जाता। यह उन्हीं से हासिल किया हुआ इल्म है जो मुझे इज्तिहाद बयान करने में मदद देता है। हमारा फर्ज है कि हम शरीयत की पैरवी करें मोहतरम दोस्त। मुझे खुशी है कि अगर जाफर इब्न मोहम्मद तक रसाई मुमकिन नहीं तो कम से कम उनके दोस्तों के वजूद से तो हम बहरामंद हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना हकीम कि ये मर्द काबिल एतमाद नहीं। लेकिन आखिर क्यों? ये कल से अब तक मेरे साथ है और इसने कोई गलती भी नहीं की है। मुझ पर लानत हो अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जो आपकी नाराजगी का बाइस हो। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हकीम को, जो कि तुम्हारी जंदान से आजादी का सबब बना, दोबारा कैद में डालने का सोच रहे हो। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तुम्हारे मंसूबे के बारे में कि तुम जाबिर को दोबारा कैद करवाना चाहते हो। लेकिन मैं तो आपके सामने सही और सालिम खड़ा हूँ, लिहाजा उसे बिला वजह किसी नाकर्दा जुर्म की सजा ना दें। यानी कल रात आपको कोई खतरा पेश नहीं आया था? क्यों नहीं, कल हुकूमत के आदमियों ने मेरे घर पर हमला किया था, लेकिन एक दोस्त की मदद से हम महफूज रहे। लेकिन इसका जुबैर से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है हकीम। क्या ताल्लुक? उसे मैंने आमिर जोहर खोर के पास बैठे देखा था, वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था ना ये सही नहीं हो सकता हकीम। जिसने हराम खाया हो और अपने आप को शैतान के हाथ बेच डाला हो उसके लिए खयानत एक मामूली सा काम है। तुम कल आमिर कपड़ा फरोश के पास गए थे? हाँ, मैं गया था। किस लिए?
मैं कल उस कपड़ा फरोश की दुकान पर तो गया था, लेकिन ना तो मैं उसका नाम जानता था और ना ये जानता था कि वो चुगलखोर के नाम से मशहूर है। मैं तो जुल्फा के लिए तोहफा लेने गया था कि शायद ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? जैद, मेरे आने तक मेरी दुकान का ख्याल रखो। भाई आ जाओ। अरे भाई आ जाएं, ले जाएं, सस्ते कर दिए भाई, आ जाएं, तरबूज ले लें। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, मीठे तरबूज ले लो। आपके मिजाज तो बखैर है। बहुत मोहतात रहे और अपना साजो सामान जमा कर लें, मैं मगरिब के बाद आपके पास आऊंगा, सब साथ चलेंगे। क्या रात बयाबान में गुजारेंगे? नहीं, नखलिस्तान में। मैं आप लोगों को नसीहत करता हूं कि जुरारा से मिलने के बाद कूफा मत आएं, यहां के हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं। तमाम मालो असबाब जमा कर लो और घोड़ों को खूब से चारा डाल दो। इंशाल्लाह मगरिब के वक्त हम यहाँ से चलेंगे। आप मुतमईन रहें मालिक, इन्होंने इतना खा लिया है कि इन्हें चंद दिन भूख नहीं लगेगी। मेरा सामान भी बांध दो, लगता है एक जगह रहना मेरी किस्मत में नहीं। इस जालिम कौम पर लानत हो कि जिसने तमाम मुसलमानों का चैन छीन लिया। मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना होगा। मैंने जरारा के लिए कुछ कागज नासोख्ता तैयार किए हैं। ना जलने वाला कागज? हाँ, अहदीस लिखने के काम आएंगे। खुदा तुम्हें इसका अजर दे, मगर वहाँ जाना खतरनाक है। इस आखिर वक्त में अपने आप को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? अगर इजाजत हो तो ये काम मैं कर दूं। परेशान ना हूं, कुछ काम जानता हूं या नहीं, लेकिन सिपाहियों से भागने का काम अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी अपना ख्याल रखना। जरूर। खुदा हाफिज। जुबैर, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बड़ी हलचल मची हुई है। क्या सफर का इरादा है उनका? हाँ, कूफा से कूच का इरादा है। कहाँ का इरादा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी लंबे सफर का इरादा है। तुम कहाँ जा रहे हो? जाबिर का सामान लेने के लिए। बहुत खूब, जाओ। लेकिन ये ख्याल रहे कि मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे धोखा दिया तो अपना हशर याद रखना।
क्या किया है? क्या बुरा हाल कर दिया है हकीम बेचारे के घर और जिंदगी का। मुझे मालूम होता कि ये किसने किया है। ये हरामजादे कहां से आ गए? सलाम ब्रादरान। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सलामत रहो मोमिन। सफर के लिए सब तैयार हैं? हाँ मेरे दोस्त, ना सिर्फ तैयार बल्कि बहुत मुश्ताक। बहुत अच्छा, घोड़ों और सामान को सराय खाने के सामने छोड़ दें और पैदल मेरे साथ चलें। अब देर न करें, जल्दी चलें। लेकिन आपने तो कहा था दूर जाना है। मैंने कहा था कूफे से बाहर, लेकिन इतनी दूर नहीं कि पैदल न जा सकें। बस जरारा यहाँ से नजदीक है। हाँ, लेकिन ऐसा जाहिर किया हुआ है जैसे वो कूफे से चला गया है। शौकी, तुम यहीं ठहरो और घोड़ों और सामान का ख्याल रखना। अगर कोई तुमसे हमारा पूछे तो कह देना कूफे में किसी के हम मेहमान गए हैं। अब आप सब एक एक करके अस्तबल खाने के दरवाजे से मेरे पीछे आए। हाँ, एहतियात बहुत जरूरी है, मैं निकलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आए। इस कदर एहतियात क्या जरूरी है? अगर उन्हें जरा भी पता लग गया कि वो यहीं कहीं नजदीक है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौकी। जी मालिक। अहदीस का संदूक मुझे दे दो। ये ले। इजाजत दे मैं पकड़ लूं। बहुत अच्छा, इर्द गिर्द का ख्याल रखना, मैं चला।
खुदा निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए। तुम थक तो नहीं गए जुबैर? नहीं। मुझे दे दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम जिस हाल में हो उसकी कदर जानते हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ये हदीसें जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में हैं, ये कलिमात नूर हैं जुबैर। इन्हें अपने हाथों में उठाने की सआदत हर किसी को नसीब नहीं होती। ये सआदत सिर्फ उनको नसीब होती है जिनको खुदा दोस्त रखता है और चाहता है कि उनकी ज़िंदगी हिदायत के चराग से रोशन हो। इस मौके को अपने लिए नेक फाल समझो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ जुल्फा को चाहता हूँ और उसके खातिर हर मुश्किल कबूल है। अब इन अहादीसों को अपने हाथों में उठाने और हमारे साथ कारवा में शामिल होने के बाद खलीफा और उसके आदमियों की नज़र में अब तुम्हारे जुर्म में कैद खाने से फरार होने के अलावा एक और बड़े जुर्म का इजाफा हो गया है। लिहाजा खलीफा और उसके आदमियों की नज़र में ये एक और संगीन जुर्म है। क्या कह रहे हो जाबिर? आखिर इनमें ऐसा क्या लिखा है जो खलीफा और उसके आदमी इस कदर इनके खिलाफ हैं? अहकाम खुदाबंदी और आईन जिंदगी का रास्ता। सिर्फ यही? हाँ। अब से तुम भी जाफर इब्न मोहम्मद के आदमी हो। ना मेरे दोस्त, मैं वही जुबैर राजन हूँ जो एक हादसे में इत्तेफाक से तुम्हारे। क्यों अपने आप को इस कदर सस्ता बेच रहे हो जुबैर? तुम्हें जो नसीब होने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा है कि तुम सिर्फ जुल्फा पर इक्तफा करो। अपने मकसद को बदलो जुबैर। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात समझ सकूं तो मुझसे आसान लफ्जों में बात करो या फिर ऐसी बातें करो जो मुझे समझ आ जाएं। अब बजाय इसके कि जुल्फा के बारे में सोचो, अपने खुदा के बारे में फिक्र करो। तुम्हारी निगाहें आसमान पर होनी चाहिए जुबैर। आसमान? तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि खुदा को अपने आप से राजी करो। इस सूरत में तुम जुल्फा को भी हासिल कर लोगे और जन्नत भी। जन्नत? हाँ, जन्नत। जन्नत मुझे सुख नहीं मिला करती। जो कुछ मैंने किया है उसका सिला तो जहन्नम ही है। नहीं, बस दिल को खुदा की तरफ लगाने की देर है। मुझे तुम्हारी बातों पर सोचना चाहिए, शायद मेरी समझ में आ जाए और शायद ना आए। नहीं जानता, मुमकिन है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन खुदा को दिल में बसाना आसान नहीं। एक और बात को भूल ना जाना जुबैर। कौन सी बात? इस वक्त तुम जिस राह पर चल रहे हो वो बहुत ही पुरखतर और होलनाक है। तमाम रास्ते कोशिश करना कि कोई तुम्हारे और उनवान के राज से आशना ना हो। अगर किसी को मेरे मौला के दोस्तों के बारे में मालूम हो जाए तो मुमकिन है कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए। जुबैर को तुमने इतना कमजोर समझा है? अपने दोस्तों पर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग ना करूंगा। हम पीछे रह गए हैं, चलें। जल्दी चलो।